नगर में निर्भीक कदम पदयात्रा का हुआ स्वागत। झलकारीबाई जन्मस्थान भोजला झांसी से महिला निर्भीक कदम पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। गुरुवार की शाम पदयात्रा ने कस्बा मोठ में प्रवेश किया, जिसमें कस्बे के विभिन्न जगहों पर उनका स्वागत किया गया। नगर में काली माता मंदिर के पास निर्भीक पदयात्रा की बहनों ने महिलाओं को जागरूक किया। ये जो पदयात्रा आ रही है, हम लोगों ने झांसी में भोजला गांव से 13 फरवरी को ये पदयात्रा शुरू की है और भोजला गांव झलकारी बाई जी का जन्म स्थान है, तो यहां से ये पदयात्रा शुरू की है। इसके साथ साथ 13 फरवरी को जो ये शुरू करने का उद्देश्य है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस होता है सरोजिनी नायडू जी के नाम से, उनका जन्मदिवस भी उसी दिन होता है। तो ये पदयात्रा भोजला से शुरू करने का ये उद्देश्य है, भोजला से लखनऊ तक उद्देश्य है कि कई बार होता है कि महिलाओं के अंदर जो ताकत होती है उसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि एक जब हम झांसी की रानी का नाम लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि वो तो रानी थी, उनको बहुत सारे मौके मिले। तो उसमें से अगर हम बात करें तो झलकारी जी बहुत ही गरीब परिवार से थीं और वो एक गाँव से थीं, लेकिन उन्होंने साथ में बिल्कुल साहस के साथ जो है लड़ा, 1857 की लड़ाई लड़ी। और ये जो पदयात्रा का उद्देश्य है कि हम महिलाएं जो पदयात्रा कर रहे हैं, और हम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम महिलाएं आगे आएं महिलाओं के साथ, और सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हम पूरे समाज के लिए आगे आएं ताकि इस देश का नेतृत्व संभाल सके। रास्ते में इसका क्या स्वागत किया जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, मतलब मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम इसके पहले झांसी में इतना नहीं जानते थे, लेकिन झांसी जितनी आग भरी है कि आप अगर जो आग दिखाओगे तो आग से जल जाओगे, उतनी ही जरा सा प्रेम अगर दिखाओगे तो बिल्कुल पानी की तरह लोग फैल जा रहे हैं। तो ये झांसी जो है इतना सम्मान जगह जगह दे रही है, इतना समर्पण दे रही है, और हमें कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही है। मैम, आपका नाम वगैरह क्या है और क्या आप इसका नेतृत्व कर रहे हैं? जी, मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और रेड ब्रिगेड लखनऊ हमारी संस्था है, और इसके साथ साथ एकता परिषद को लेकर के भी हम साथ चल रहे हैं। और इसके साथ साथ एक काम हम लोग और भी कर रहे हैं, झांसी से जब हम लखनऊ जा रहे हैं, जितने भी ज़िले पड़ रहे हैं, जितने भी गाँव पड़ रहे हैं, जहाँ भी हमारा कार्यक्रम हो रहा है, तो हम ये चाह रहे हैं कि महिलाएँ एक संगठन का निर्माण करें और वीरांगना वाहिनी के नाम से इस संगठन का निर्माण करें, ताकि वो अपनी जगह पर रह करके इस विरासत को बढ़ाएं, इस ताकत को बढ़ाएं। ये जो पदयात्रा निकल रही है, कहाँ से कहाँ तक निकल रही है? ये पदयात्रा जो है महिला रेड ब्रिगेड और महिला एकता मंच के द्वारा भोजला ग्राम से जो है झलकारी बाई के जन्म स्थली से सरोजिनी नायडू के जन्म स्थान तक जो है ये यात्रा निकल रही है। और अब 16 तारीख को ये यात्रा मोठ में आई, तो वीरांगना झलकारी बाई जो कोरी समाज सेवा समिति मोठ है उसके द्वारा इनका जो है स्वागत किया गया और अपने ही कोरी समाज धर्मशाला पे ठहराव किया गया। अब सभी साथी जो है सुबह इनकी यात्रा का प्रारंभ करवा रहे हैं। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं में जागरूकता, लड़कियों में जागरूकता आना, ताकि वो अपनी वीरांगनाओं को जाने और